मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160+ गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और साथ ही 24x7 विड्रॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग पिन कमेंट में दिए लिंक से इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि पंजाब टीम से क्या बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। जैसा कि पंजाब टीम का दूसरा मैच है केकेआर के खिलाफ, ऐसे में पंजाब टीम के प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस हमें दिख सकते हैं और कविश्वर अबाडे की वापसी होगी और जोनी बेस्टो से अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आई है कि वो दूसरे मैच में उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे। जहाँ तक अपडेट्स की माने तो अगर जोनी बेस्टो पंजाब टीम में वापसी कर भी लेते हैं तीसरे मैच तक, तो शायद ही पंजाब की टीम उनको मौका दे, क्योंकि भानुप्रताप राजापक्षा बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी किए थे पहले मैच में। तो ऐसे में पंजाब टीम में जो चार ओवरसीज खिलाड़ी रहेंगे उसमें भानुप्रताप राजापक्षा, कविश्वर अबाडा, इसके अलावा लियान मिक्सर, ओडन स्मिथ रहने वाले हैं। और इसके अलावा आईपीएल से जुड़ी कुछ अहम खबरें बताएंगे और वीरेंद्र सहवाग ने बहुत बड़ी बात कह दी है पंजाब टीम को लेकर। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पंजाब टीम के लिए वीरेंद्र सहवाग ने क्या बड़ी बात कह दी। जैसा कि वीरेंद्र सहवाग पंजाब टीम के मेंटर भी रह चुके हैं और पंजाब टीम से खेल भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग का तो पंजाब टीम से लगाव ही है। ऐसे में उन्होंने पंजाब टीम की काफ़ी तारीफ़ की और कहीं ना कहीं पंजाब टीम के पहली जीत के ऊपर वो काफ़ी खुश हैं। आप सभी लोगों को बता दूं, सहवाग ने कहा कि जो भी पंजाब किंग्स टीम के साथ है कि टीम ने 200 रन काफ़ी बार उठाए हैं लेकिन मैच में बनाए कभी कभार हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरसीबी टीम के खिलाफ मुकाबले में पंजाब टीम ने 200 रन खर्च भी किए हैं, तो वहीं 200 रनों का पीछा करते हुए एक आसान जीत भी दर्ज की है। इसलिए जिन लोगों ने पंजाब टीम को छोड़कर जाने का फैसला लिया था, उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। साथ ही एक तरह उनकी वजह से भी इस टीम को मदद मिली है। मतलब कि वीरेंद्र सहवाग बताना चाहते हैं कि जो लोग पंजाब टीम को इतने सालों से अप्रिशिएट करते थे कि पंजाब की टीम कभी जीत नहीं पाएगी या उनकी टीम कभी बैलेंस नहीं होती है, शायद ही कभी आईपीएल की ट्रॉफी जीती, तो उन्होंने इस साल दावा किया कि पंजाब की टीम इस साल 200 रनों का पीछा करते हुए पहला मैच जीती और कहीं ना कहीं आईपीएल 2022 की ट्रॉफी की दावेदार लग रही है। और वीरेंद्र सहवाग ने आगे कहा कि इस साल आईपीएल 2022 में अगर कोई टीम 200 रनों का पीछा कर सकती है तो वो इस समय पंजाब किंग्स ही दिख रही है। जिस तरह से टीम के लिए ओडन स्मिथ, शाहरुख खान और लियान विल्सन ने बल्लेबाजी करके दिखाई है, साथ ही इसके पहले कैप्टन मयंक अग्रवाल, शिखर धवन और राजापक्षा की बल्लेबाजी नजर आई, पहले से मैं सोच नहीं पा रहा था राजापक्षा इस तरह का खेल खेल सकते हैं। यह बात सही है कि वो श्रीलंकाई टीम के लिए खेलते हैं लेकिन आईपीएल में दबाव अलग तरह का होता है। तो ये सारी चीज़ें वीरेंद्र सहवाग ने अपने इस बयान में कहा है और कहीं ना कहीं पंजाब टीम को आईपीएल 2022 की सबसे बड़ी दावेदार मानी है। और इसके अलावा सूर्य सेना ने भी पंजाब टीम की काफ़ी तारीफ की और उन्होंने कहा है कि आईपीएल 2022 में पंजाब की टीम काफ़ी आसान तरीके से क्वालिफाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं आईपीएल 2022 जीतने की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है पंजाब टीम। तो ये बड़े बड़े दिग्गज पंजाब टीम की तारीफ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पंजाब की टीम पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो उन टीमों से बेहतर लग रही है इस साल की टीम, और कहीं ना कहीं इस साल की टीम में काफ़ी बैलेंस भी दिख रहा है, बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई दिख रही है पंजाब किंग्स के प्लेइंग इलेवन में। और इसके अलावा गेंदबाजी थोड़ी पहले मैच में कमज़ोर हो गई थी पर कविश्वर अबाडा के आने से वो भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, और कहीं ना कहीं पंजाब टीम सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है आईपीएल 2022 का खिताब जीतने के लिए। और इसके अलावा पंजाब टीम के नए कप्तान मयंक अग्रवाल का भी मानना है कि पंजाब की टीम आईपीएल 2022 का खिताब जीतने में काफ़ी सक्षम टीम लग रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सब खिलाड़ियों के अंदर काबिलियत है कि वो टीम को अपने अकेले दम पर मैच को जिताएं, और कहीं ना कहीं उनके इस प्रदर्शन से पंजाब टीम को काफ़ी फ़ायदा होगा आईपीएल 2022 में। और इसके अलावा अपडेट्स आ रही है कि केकेआर के खिलाफ पंजाब टीम की जो प्लेइंग इलेवन उतरेगी उसमें राजेंद्र सिंह राव प्लेइंग इलेवन से बाहर दिखेंगे और दूसरे खिलाड़ी होंगे हरप्रीत बिराद। ऐसे में आप सभी लोग बता दूँ, अगर कोई भी खिलाड़ी बाहर होता है तो उनकी जगह पर डायरेक्ट कविश्वर अबाडा आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब की टीम पहले मैच में तीन ही ओवर से खिलाड़ी खिलाई थी, चौथे ओवर से खिलाड़ी की जगह टीम में बची हुई है। तो ऐसे में कविश्वर अबाडा डायरेक्ट टीम में आ जाएंगे अगर कोई इंडियन खिलाड़ी भी प्लेइंग इलेवन से बाहर होता है तो। तो ये बड़ी अपडेट्स थी। इसके अलावा आप सभी लोगों को बता दूं, पंजाब की टीम का केकेआर के खिलाफ काफ़ी ख़राब रिकॉर्ड है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल 29 मैच हुए हैं जिसमें 19 बार केकेआर की टीम जीती है और 10 बार पंजाब की टीम है। ऐसे में पंजाब की टीम इन रिकॉर्ड्स को, इन स्टेट्स को तो ध्यान नहीं देगी, फिर भी पंजाब की टीम इस साल काफ़ी बेहतर टीम दिख रही है केकेआर के मुकाबले।
क्योंकि कोलकाता की टीम की बात करें तो वो अपना पहला मुकाबला काफ़ी आसानी जीते थे, पर दूसरे मुकाबले में उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई आरसीबी टीम के खिलाफ, और कहीं ना कहीं उनके खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिरा हुआ है। हालांकि दूसरे मैच में वो लड़े थे, फिर भी केकेआर की टीम हार गई आरसीबी टीम के खिलाफ। वहीं पंजाब टीम की बात करें तो पंजाब की टीम पहले मुकाबले में थोड़ी गेंदबाजी ख़राब हुई थी, पर उनके बैटर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक शानदार चेज करके पंजाब टीम को पहली जीत दिलाई। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आप सभी लोगों को देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।